आज हम याद करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तियों की बायोग्राफी, आत्मकथाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, इम्परफेक्ट निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए संजय मंजरेकर। देखिए इम्परफेक्ट बायोग्राफी है संजय मंजरेकर की, याद कैसे रखेंगे? इम्परफेक्ट का हो जाएगा परफेक्ट और यहां है संजय, संजय दत्त, मंजरेकर मंजे हुए। भाई संजय दत्त मंजे हुए एक्टर हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपने देखा होगा ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें संजय दत्त बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, तो संजय दत्त बिल्कुल परफेक्ट है भाई, मंजे हुए खिलाड़ी है। नेक्स्ट, गेम चेंजर निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन डी शाहिद अफरीदी। देखिए गेम चेंजर बायोग्राफी शाहिद अफरीदी की। अब देखिए शाहिद का हो जाएगा शहीद और शहीद से याद आते हैं शहीद भगत सिंह, उन्होंने क्या किया था? गेम चेंजर, पूरा ही गेम चेंज कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, पूरा गेम चेंज कर दिया। और ऐसा गेम चेंज किया शहीद भगत सिंह ने कि हमें आजादी मिलकर ही रही। तो भाई गेम चेंजर यानी कि गेम चेंज किसने किया? शाहिद अफरीदी, हमारे शहीदों ने किया। नेक्स्ट, माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन बी स्वामी रामदेव तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए माई लाइफ माई मिशन स्वामी रामदेव जी की बायोग्राफी है। अब देखिए बंदा क्या कह रहा है, माई लाइफ माई मिशन, बंदा कह रहा है कि भाई मेरा मिशन है कि मेरी लाइफ ठीक ठाक चलती रहे, उसके लिए मैं क्या करता हूं, दिन रात सुबह शाम योगा करता हूं, योग गुरु स्वामी रामदेव। कवर हो गया ना भाई, मेरा मिशन है मेरी लाइफ ठीक ठाक चलती रहे, ना मुझे बीपी हो, ना मुझे शुगर हो, ना मुझे हार्ट अटैक आए, तो मैं क्या करता हूं, योग करता हूं, स्वामी रामदेव जी के साथ योग करता हूं सुबह शाम। देखो भैया योग करो, कपालभाति कर। नेक्स्ट, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी बायोग्राफी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन बी सौरभ गांगुली तो बिल्कुल सही जवाब चुना है, सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली जी की बायोग्राफी है। नेक्स्ट, एन ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए आप सब जानते ही हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और वो इतने बिजी रहते थे कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी तो लिख दी लेकिन उसको नाम देने का समय ही नहीं मिला। भाई देश के पहले प्रधानमंत्री थे, बिजी रहते थे कभी इधर कभी उधर, तो नाम देने का समय ही नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया उसको। कैसे? एन ऑटोबायोग्राफी, किसकी आत्मकथा हो गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनब्रेकेबल निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन ए एमसी मैरी कॉम, यह हमारे बॉक्सर हैं और जबरदस्त बॉक्सर हैं, इन्होंने इतने रिकॉर्ड बनाए हैं, इतने रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि अनब्रेकेबल है, उन रिकॉर्डों को शायद ही कोई तोड़ पाएगा, वो अनब्रेकेबल है। तो मैरी कॉम की बायोग्राफी भी हो गई अनब्रेकेबल। नेक्स्ट, अनफिनिश्ड निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा। देखिए अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा जी की बायोग्राफी है। देखिए हमने पीछे पढ़ा जिस तरह से एमसी मैरी कॉम कोड अनब्रेकेबल है उसी तरह से प्रियंका चोपड़ा का भी कैरियर अनफिनिश्ड है, वो कभी भी फिनिश नहीं हो सकता। तो याद रखना दोस्तों, अनफिनिश्ड किसकी बायोग्राफी है? प्रियंका चोपड़ा की। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन ए कपिल देव तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए जब हम क्रिकेट खेलते थे ना तो बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे, हाँ तू बढ़ेगा गणा कपिल देव, तू रहने दे बैसा ने पानी प्याला, जा बढ़ लिया गणा कपिल देव। उस समय भाई सीधे दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से यही बात आती थी कि बाबूजी मैं भी एक दिन कपिल देव बनूंगा। भाई दिल से बात यही निकलती थी कि बाबूजी एक दिन मैं भी कपिल देव बनूंगा, भले ही बन नहीं पाए हो लेकिन दिल से तो यही बात निकलती। तो भाई स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से किसकी बायोग्राफी हो गई? कपिल देव की।
नेक्स्ट, नो स्पिन निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? थोड़ा टफ हो सकता है भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन सी सेन वर्न तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। नो स्पिन किसकी बायोग्राफी हो गई? सेन वर्न की। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए सेन वर्न, वर्न का हो जाएगा वार्निंग। भाई जब भी बैटिंग करने जाते थे ना तो सभी क्या बोलते थे, भाई स्पिन बॉल को देखकर खेलना, स्पिन बॉल को देखकर खेलना, ये आपको वार्निंग दे रहे हैं। यानी कि सेन वर्न वार्निंग दे रहे हैं, वर्न का हो गया वार्निंग दे रहे हैं कि भाई स्पिन बॉल को देखकर खेलना। तो नो स्पिन बायोग्राफी हो गई सेन वर्न की। नेक्स्ट बिल्कुल इजी, बिकमिंग मिशेल ओबामा निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? भाई ये तो नाम से ही पकड़ लेंगे आप। ऑप्शन ए मिशेल ओबामा की। बिकमिंग मिशेल ओबामा किसकी बायोग्राफी हो गई? मिशेल ओबामा की। नेक्स्ट द ऑडेसिटी ऑफ होप किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन बी ब्राक ओबामा। देखिए द ऑडेसिटी ऑफ होप ब्राक ओबामा जी की बायोग्राफी है। अब देखिए ब्राक ओबामा को आप जानते ही, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो भले ही पूर्व राष्ट्रपति रहे हो लेकिन अब वो इतने सीधे साधे व्यक्तित्व वाले हैं। ऑडेसिटी होंडा सिटी पर चलते हैं भाई, कोई BMW नहीं, कोई ओडी नहीं, वो अपने पुराने होंडा सिटी पर चलते हैं। दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक से एक बार इमेज के साथ माइंड में बिठा लीजिए, बहुत लंबे समय तक आप नहीं भूलेंगे, ये आपको एग्जाम में जरूर याद आएगी। नेक्स्ट द डायरी ऑफ यंग गर्ल निम्न में से इसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन ए एनी फ्रैंक। देखिए द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी बायोग्राफी है? एनी फ्रैंक की। अब देखिए यहां है फ्रैंक, यानी कि जो फ्रैंक है यंग गर्ल, और डायरी की बात हुई है, यानी कि जो फ्रैंक यंग गर्ल है ना वो ही अपनी डायरी किसी को भी दिखा सकती है। जो फ्रैंक नहीं है वो अपनी डायरी को छुपा के रखती है, और जो भाई फ्रैंक है वो बिल्कुल अपनी डायरी को हाँ ले देख ले क्या है मेरी डायरी में, कुछ नहीं ले देख ले ले। द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी बायोग्राफी होगी? एनी फ्रैंक। जो फ्रैंक होगी ना वो अपनी डायरी झट से दिखा देगी, लो देख लो मेरी डायरी में क्या है। नेक्स्ट द टेस्ट ऑफ माय लाइफ निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन सी युवराज सिंह। देखिए द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की बायोग्राफी है। याद कैसे रखेंगे? बात हो रही है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, मेरी लाइफ का टेस्ट। भाई युवराज सिंह को आप जानते ही हैं, उन्हें जब वो अपने चरम पर थे क्रिकेट में तब उन्हें कैंसर हो गया था, यानी कि लाइफ ने उनका भरपूर टेस्ट लिया, उनका इम्तिहान लिया लाइफ ने, लेकिन वो इम्तिहान में पास हो गए। कैंसर से लड़ने के बाद भी उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। तो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी बायोग्राफी हो गई? युवराज सिंह की। लाइफ ने बहुत टेस्ट लिए किसके? युवराज सिंह। नेक्स्ट द रेस ऑफ माय लाइफ, सिमिलर नेम है लेकिन यहां पर रेस आ रहा है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? जट से पकड़ गए बाबू, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, और ये इन्हीं की बायोग्राफी है जिसका नाम है द रेस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि भाई उनकी लाइफ का मकसद था रेस, रनिंग, दौड़ना दौड़ना, और उन्हीं से उनको पहचान मिली। नेक्स्ट बिल्कुल इजी, प्लेइंग इट माय वे किसकी बायोग्राफी है? बता दो भाई फटाफट। अगर आपने चुना ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है। नेक्स्ट द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? थोड़ा टफ हो सकता है। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़। अब देखिए राहुल द्रविड़ के बारे में तो आप सभी जानते हैं भाई, टेस्ट मैच में ना वो दीवार बनकर खड़े हो जाते थे, आउट ही नहीं होते थे, फिनिश्ड फर्स्ट, फिनिश ही नहीं होते थे, चाहे जितने मर्जी बॉलर आ जाए कुछ भी आ जाए वो फिनिश्ड ही नहीं होते, और चैलेंज कर देते थे हु फिनिश्ड फर्स्ट, कौन है भाई जो मुझे सबसे पहले फिनिश करेगा आउट करेगा, पर कोई नहीं कर पाता था। नेक्स्ट सनी डेज निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। देखिए सनी डेज सुनील गावस्कर की बायोग्राफी है। नेक्स्ट 281 एंड बियॉन्ड निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन डी VVS लक्ष्मण। देखिए 281 द बियॉन्ड VVS लक्ष्मण जी की बायोग्राफी है। अब ये VVS लक्ष्मण की बायोग्राफी का 281 इसका क्या लिंक है? तो देखिए ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है वहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच घमासान क्रिकेट का मैच चल रहा था,
इंडिया बैटिंग कर रहा था और काफी बल्लेबाज इंडिया के आउट हो गए थे, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण आए क्रीज पर और उन्होंने 281 रन बनाए, 281 रन बनाए उन्होंने जबरदस्त पारी खेलते हुए, और उसी पर उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिख दी, 281 द बियॉन्ड। किसकी बायोग्राफी हो गई? वीवीएस लक्ष्मण, भूल मत जाइयो मेरे भाई। नेक्स्ट, सिटीजन दिल्ली, माई टाइम माई लाइफ, किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन बी शीला दीक्षित जी की। देखिए, शीला दीक्षित जी 15 साल तक लगातार दिल्ली की सीएम रही थी, तो उन्होंने बायोग्राफी लिखी सिटीजन दिल्ली माई टाइम माई लाइफ। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला ने आजादी के बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। उसके बाद स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी है। द रेड सारी, ये सोनिया गांधी जी की बायोग्राफी है। उसके बाद है आई एम मलाला वी आर डिस्प्लेस्ड, ये मलाला यूसुफ जई की बायोग्राफी है। और लास्ट में है द बैंडिड क्वीन ऑफ इंडिया, ये फूलन देवी की बायोग्राफी है। तो दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट बायोग्राफी थी वो हमने ट्रिक से याद कर ली है, और उम्मीद है आपको इजीली याद भी हो गई होगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।